हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हमारे इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक छोटा सा डिस्कशन हम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि सर केस लॉज कैसे लिखने हैं, जैसे कंपनी लॉ है या सिक्योरिटी लॉ, EBCL, जो भी सब्जेक्ट आप CS के कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो उसमें सर केस लॉज वाले जो क्वेश्चन है ना, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो अप्रोच काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है। सो लेट अस डिस्कस दैट, एक बार उसको समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स में चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। देखो, केसेस जो है, पर्सनली मुझे लगता है कि केस लॉ वाले क्वेश्चंस ना इतने डिफिकल्ट है नहीं जितना आप एज ए स्टूडेंट उसको समझ रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि अगर आपको केसेस मिल रहे हैं पेपर में तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरी लाइन या एक बैकग्राउंड होता है जिसको पढ़ के हिंट मिल जाता है कि यार कौन से टॉपिक पर बात हो रही है। मुझे उसके कंपेरिजन में लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो याद करके जाने पड़ते हैं। केसेस में ये है कि कंसेप्ट मुझे पता है, केस को मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसमें से हिंट मिल रहा है कि अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, अच्छा ऑडिटर की बात हो रही है, अच्छा ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात हो रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है ना, उससे पढ़ के रिलेट हो जाता है कि नहीं नहीं प्रोविजंस में तो ऐसा बोला हुआ है। तो आप है ना अपने मन से आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो, एक तो वो उसका एडवांटेज है। तो केस लॉ से डरना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी आंसर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आप इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कोई भी केस लॉ का आंसर इस तरीके से 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, और प्रेजेंटेशन वैसे करो। अब इसे 1, 2, 3, 4 बार नंबरिंग नहीं देना, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर रहे। सबसे पहला पार्ट है आंसर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, जो भी रेलेवेंट सेक्शन नंबर है, रूल नंबर है, या फिर एक्ट का नाम है, उसका ईयर है, या फिर टॉपिक का टाइटल है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, ऑडिटर की बात हो रही है, सेक्रेटरियल ऑडिट की बात हो रही है, वट एवर इट इज़, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम या डिस्काउंट की बात हो रही है, ईसोप की बात हो रही है, तो ये बातें ना आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बता दो। सपोज आपको बायबैक पूछा हुआ है, तो एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट प्रिस्क्राइब्स अबाउट द प्रोसीजर रिलेटेड टू बायबैक, या जो भी उसका सब पार्ट पूछा हुआ है, तो आपको एक या दो पॉइंट्स में एक इंट्रोडक्शन देके उसको कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द प्रोविजंस। अब जैसे सेक्शन 68 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ टाइटल में आपने सिर्फ इंट्रो दिया कि सेक्शन 68 किस बारे में बात करता है, बट क्या बात करता है वो एग्जैक्टली जो कंटेंट है ना, सेक्शन का कंटेंट, वो आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 68 को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये एक्सप्लेन करते टाइम जो फैक्ट्स, जो केस दे रखा है, केस में होगा कुछ ABC लिमिटेड कोई कंपनी का नाम होगा जिसको बायबैक करना होगा, कोई मिस्टर ए उसका डायरेक्टर होगा, कोई मिस्टर सी उसका CS होगा, इनके नाम अभी यहाँ पे कंटेंट में यूज़ नहीं करने हैं, अभी आपसे सेक्शन समझाओ इन जनरल, क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इसको हम बोलेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। बोले सर ये कहाँ से मिलेंगे, ये आपके क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में स्टोरी है ना, ये ABC लिमिटेड, मिस्टर ए, मिस्टर डी वाली, ये स्टोरी आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते जानी है कि भाई केस में हो क्या रहा है, दैट इज़ द फैक्ट ऑफ द केस। लास्ट पार्ट आता है, उसको बोलते हैं कंक्लूजन या फिर कंपेरिजन, ठीक है। अब कंक्लूजन और कंपेरिजन का मतलब सिंपल ये हो गया कि भाई देखो एक्ट में ये चीज़ें हो रही है, केस में कुछ ये चीज़ें हो रही है, अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया, तब पता चला कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, तो एक्ट क्या बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उसमें कोई वेरिएशंस हैं, तो उसके बेस पे डिसीजन क्या आना चाहिए, जजमेंट क्या आना चाहिए, वो आपको यहाँ लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ कंपेरिजन एंड कंक्लूजन। अब ये सब चीज़ें पॉइंट वाइज लिखनी है। प्रोविजन एक्सप्लेन करते टाइम मान लो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है, तो आप पॉइंट वाइज लिखो, फैक्ट ऑफ द केस को भी पॉइंट्स में प्रेजेंट करो, कंक्लूजन भी वैसे ही लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। हाँ, आप टाइटल दे सकते हो, आपको लगता है इंट्रोडक्शन, फिर 2 पॉइंट, फिर प्रोविजंस, फिर ये जितने आपने पॉइंट एक्सप्लेन किए, ऐसे आप टाइटल देना चाहो तो दे सकते हो, नंबरिंग की नीड नहीं है, आप सिर्फ टाइटल दे दो ना, स्टार मार्क करके या एरो करके नंबरिंग कर दो, या सॉरी मतलब एरो यूज़ कर लो, स्टार मार्क यूज़ कर लो इंट्रो, एंड उसके अंदर पॉइंट समझाओ, इसमें भी इंटरनली नंबरिंग देने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। तो केस लॉ वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको इस अप्रोच से आपको लिखना चाहिए, चेक करने वाले के लिए भी ईजी रहेगा, चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करने हैं तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, कंडीशन के आपके पास उतना टाइम बचता है और आपका पेपर कंप्लीट होता है। पेपर कंप्लीट नहीं होता है और आप अंडरलाइन करने बैठ जाएंगे ना, तो टाइम वेस्ट होगा, 2 क्वेश्चंस कम लिख के आपने अंडरलाइन किया उसका कोई सेंस नहीं है, इससे बेटर है आप पहले पेपर पूरा कंप्लीट करने की ट्राई करिए। तो ये सब पॉइंट्स पे आपको फोकस करके अपने केसेस वाले जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम करना चाहिए। पास्ट एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने जो केसेस पूछे हैं उसकी गाइडलाइन आंसर्स डेफिनेटली अवेलेबल है, आई होप आपको पता ही होगा। तो आप कोई भी पास्ट पेपर अगर रिवाइज कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइन आंसर्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड देन आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि किस फॉर्म में आंसर लिखना होता है, उनकी सॉल्यूशन की में एक केस का आंसर कैसे प्रेजेंट किया होता है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा।
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो आपके फ्रेंड्स और जो भी और स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में है जो प्रिपेरेशन कर रहे हैं और एग्जाम अपियर करने वाले हैं, तो आप अपने ग्रुप में फ्रेंड्स में उसको डेफिनेटली शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे टिप्स जो है वो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।